हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के एस फिजिक्स क्लासेस। आज हम इंटरफ्रेंस में रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन देखेंगे। अब देखिए, हमारे पास ये फर्स्ट वेव है जिसकी इक्वेशन क्या है, बाई वन इजकल टू ए वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये सेकेंड वेव है, बाई टू इजकल टू ए टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टू प्लस डेल्टा, या फाइव ही आप लिख सकते हो डेल्टा। अब ये एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं, ये एक दूसरे पर क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही हैं। जब सुपरपोज हो रही हैं तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जो जब ये सुपरपोज होंगी वहां पे हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी, और रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों वेव के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू। इट इज क्लियर। तो बाई इजकल टू बाई वन की वैल्यू पुट करेंगे, ए वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे, ए टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इजकल टू बाई वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पोर्शन को ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन डेल्टा। इट इज क्लियर। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, अब हम इस टर्म में के एक्स माइनस ओमेगा टी और इसमें क्या कॉमन है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ क्या बचा, ए वन प्लस यहाँ क्या बचा, ए टू कॉस डेल्टा। तो ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, ठीक है, साइन के एक्स माइनस टी कॉमन प्लस, अब हमारे पास कौन सा टर्म बचा है, ए टू साइन डेल्टा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, इसको हम कंसीडर कर लेंगे ए कॉस फाई, सी इजकल टू ए कॉस फाई। इस टर्म को हमने सी लिया और इसको कंसीडर किया ए कॉस फाई, क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है। अब यहाँ पर ए टू साइन डेल्टा, इसमें साइन आ रहा है, तो इसको हम इस टर्म को डी लिखेंगे और कंसीडर करेंगे ए साइन डेल्टा। अब आगे देखते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, बाई इजकल टू ए, ठीक है, अब इस टर्म की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉस फाई, ए कॉस फाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन फाई कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बना, देखो अगर हम देखते हैं ए तो कॉमन हो गया हमारा, क्या बना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाई ए, ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई। कहने का मतलब ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो ये फॉर्मूला किसका बना, साइन ए प्लस बी का। तो क्या लिखेंगे हम, ए साइन ए ये है के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी क्या है हमारा, फाइव प्लस फाइव। अब ये हमें रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन पता पड़ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेयर सी इसका टू क्या था, ए कॉस फाइव, और डी इसका टू क्या था, ए साइन फाइव। अब दोनों इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सी इजकल टू क्या है, ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा इजकल टू ए कॉस फाई, डी इजकल टू क्या, ए टू साइन डेल्टा इजकल टू ए साइन फाई। स्क्वायर करेंगे तो ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इजकल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखिए, अब इधर वाला टर्म हमने पहले लिख रखा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजकल टू, इसका हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस, अब इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्क्वायर का, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये वैल्यू क्या होगी, वन, तो ए स्क्वायर स्क्वल टू। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो ए वन स्क्वायर तो है ही है हमारा, क्या है ए वन स्क्वायर है, क्या ये ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो इसमें ए टू स्क्वायर कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इनकी वैल्यू वन हो गई, तो क्या आ गया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस क्या होगा, प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हुआ, ए स्क्वायर टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा। अगर हम टेन फाइव फाइंड करना चाहते हैं, अब देखो
ये ए वन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस कर रहा है ए टू को, ये रिजल्टेंट ए को, एम्पलीट्यूड को। तो ये एंगल कितना है, ए वन ए टू के बीच एंगल कितना था डेल्टा, और ये एंगल कितना है फाई। तो टेन फाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब ए टू का कंपोनेंट ये क्या होगा, ए टू क्या हो जाएगा, या फिर इसे ले लीजिए, इसको पूरे को ले लीजिए ट्रायंगल को, इस ये कितना होगा ए साइन अल्फा, इट इज क्लियर। तो ए साइन अल्फा, और ये पूरा कितना हो जाएगा ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखो ये ए टू है, ए टू का कंपोनेंट क्या होगा ए टू साइन डेल्टा, ठीक है। और ठीक है, और ये देखो ये कितना ए वन, और ये कितना हो जाएगा ए टू कॉस डेल्टा प्लस ए टू कॉस डेल्टा। थैंक यू फ्रेंड।